जी दोस्तों, आज हम आए हैं बटपुरा, जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला और टंगमर्ग एरिया में पड़ता है, जो कि एक ग्रोवर है। इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसने जो इटलियन जो ये बगीचा बनाया है, बहुत अच्छा है। इसमें आप देख सकते हैं कितनी कैसी क्वालिटी है, फ्रूट की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, और साइज भी बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है, एक्सपेंसेस भी कम आते हैं, और इसकी जो जो कि अभी आप फ्रूट देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे साइज के हैं, और अच्छा कलर भी इसमें आया है। बस इसमें क्या करना है, अब ये जाएगा मंडियों में, इसको वहाँ पे बहुत अच्छे रेट मिलेगी, क्योंकि आप क्योंकि कलर भी अच्छा है, साइज भी अच्छा है, और इसमें कोई भी नुकस भी नहीं है, बस क्वालिटी है इसका। इसका जो जो ये ग्रोवर है, इसको बहुत फायदा होने वाला है आगे, क्योंकि जो भी इसने ये गार्डनिंग की है, जो भी उसने ये बहुत बहुत बढ़िया बगीचा बनाया है, ये बहुत अच्छा है। आप खुद भी देख सकते कैसी क्वालिटी है इटलियन की। इसमें इटलियन ज़्यादा है, और भी कुछ वैरायटी इसने इसमें डाली है, वो भी अच्छी है। और पेड़ भी देख सकते हैं, दवाई भी इसने बहुत अच्छी चढ़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो, हम भी फार्मिंग करते और लोग भी फार्मिंग करते, और लोग और इनमें एक डिफरेंस यह है कि इसने जो भी इनिशिएटिव लिया है, जो भी इसने ये बहुत बड़ा एक बगीचा बनाया है, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें इनने जो भी कॉस्ट आया है इसका, इसमें वो तो आया पहले जो इसने इन्वेस्टमेंट की है, वो तो इन्होंने की है, चलो जो भी है, मगर जो आगे इसका फ्यूचर है वो ब्राइट है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं। और भी डुलचिस के बाग हैं, अमेरिकन के बाग है, और भी वैरायटी है उनमें। अभी पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है, क्योंकि उनमें वो सेब उस तरह नहीं लग रहे हैं, जब फ्रूट सेटिंग का टाइम रहता है तो उसमें ज़्यादा पत्ते नहीं रह पाते हैं, वो फूल के जो होते हैं छोटे छोटे, वो नहीं रह पाते। आप इसमें देख सकते, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रूट है, वो बहुत मकदार में भी ठीक है। अब देख सकते और एक वैरायटी है, यहाँ पे वैरायटी इसने इसने इस लगाए, क्योंकि इससे पॉलिनेशन हो जाती है, पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। बाकी हम अप्रिशिएट करते हैं इस ग्रोवर को, इसने इतनी बड़ी नर्सरी लगाई है। आप ज़रूर जो ये मेरी चैनल है हॉर्टिकल्चर इन बारामूला, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बोलो इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आए, और जो भी नए तरीके की फार्मिंग होती है उस बारे में हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। देखो, आज हम खास इसलिए आए थे, उन्होंने बोला हम आज एक शूट करेंगे एक वीडियो इस बगीचे में, और अपने साथी हैं जो अपने सब्सक्राइबर, उनको बताएंगे कि फार्मिंग कैसे की जाती है, और क्या इसमें कितना प्रॉफिट रहता है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया, जो भी और आगे वीडियो आने वाले हैं उनमें हम और भी अच्छी तरह आपको जानकारी देंगे, प्रॉपर जानकारी।